बहुत बहुत स्वागत है आपका अल्ट्रा बॉलीवुड में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है पिक्चरी कमाई या पिक्चरी बिठाए। इस हफ्ते रिलीज हुई है तुम्हारी सुलु। अब तुम्हारी सुलु आपकी सुलु है या नहीं है, मतलब इस फिल्म को आप देखें या ना देखें, इस सवाल का जवाब देते हैं। और एक बार फिर से मकसद एकदम साफ है कि किसी फिल्म का मजाक नहीं उड़ाते, हम इतना बताते हैं कि आपका पैसा और टाइम बच सके। अब तुम्हारी सुलु जो है बड़ी अनोखी फिल्म है, बड़ी प्यारी सी फिल्म है। हाँ, और रेडियो स्टेशन पे किस तरह से ये जो सुलोचना यानी कि विद्या बालन जो है वो कॉन्टेस्ट जीतती हैं और फिर कहती हैं कि नहीं नहीं मुझे प्रेशर कुकर नहीं, मुझे टीवी नहीं प्रेशर कुकर, इस तरह की बातें वो रेडियो जॉकी से करती हैं। एक शादीशुदा महिला है और उसकी अपनी एक अलग उड़ान होती है, उसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है जिसमें बोर्डम का भी एक हिस्सा रहता है और कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ अपने आप से ही कर सकती है, उसका हिस्सा भी रहता है। तो रेडियो जो है वो सुलु को यानी कि सुलोचना को बहुत भाता है। और फिर अचानक यूं ही जो है विद्या बालन जो किरदार निभा रहे हैं सुलोचना का, इन्हें मौका मिलता है कि बताओ रेडियो जॉकी जो है ये काम कर सकें। और रेडियो जॉकी का काम जो है अपने आप में बड़ा अनूठा बड़ा अनोखा होता है। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि एग्जैक्टली रेडियो इंडस्ट्री में जाए कैसे, लेकिन एक कुछ ऐसा होता है फिल्म में जिसकी वजह से विद्या बालन जो है वो रेडियो जॉकी बनती हैं। और एकदम जो है रात का शो है और वो अपने अलग अंदाज में लोनली हार्ट्स को और संभालने की कोशिश कर रही हैं, अपने लाफ्टर अपनी आवाज़ की उस क्या कहते हैं उसको सेंसुअलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो सारे सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं। इनके हस्बैंड है मानव कौल, उन्होंने भी अच्छा काम किया है ज़रूर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिल्म महिलाओं के लिए नहीं है सिर्फ, फिल्म पूरे परिवार के लिए, देख के बड़ा मज़ा आता है। हाँ, इस फिल्म में क्या है क्योंकि कहानी बहुत अपने आप को रिपीट कर रही है तो इस वजह से आपको अंगड़ाइयाँ लेने का बहुत टाइम मिलता है। आप कहते हैं चलो जरा पॉपकॉर्न खाकर आते हैं या फिर सोचते हैं क्यों खामखा पॉपकॉर्न में पैसे खर्च करें, है ना, तो आप कभी कभी मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर हैं। अगर इस फिल्म की लेंथ थोड़ी सी कम होती तो फिल्म शायद आप ज़्यादा इन्जॉय करते, लेकिन विद्या बालन के फैंस के लिए तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली फिल्म है। नेहा धूपिया ने भी ठीक ठाक काम किया है और फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो हवा हवाई गाना बड़ा अच्छा है। रेडियो स्टेशन का थोड़ा सा माहौल देखने को मिलता है, हालांकि रियल रेडियो स्टेशन थोड़े से अलग होते हैं, बल्कि काफ़ी अलग होते हैं जिस तरह से इन्होंने दिखाया है। पर हाँ, एक रेडियो जॉकी की क्या रीच हो सकती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो दिखाने की कोशिश की है। और उसी बीच पति पत्नी और खास तौर पर वो पत्नी जो अभी तक कोई से जानता नहीं था, कोई से ज़्यादा बात नहीं करता था, वो अचानक फेमस हो रही है, तो उसकी जो शेड्स हैं वो भी नज़र आते हैं। तो फिल्म कुल मिलाकर एंटरटेनिंग तो है ना, ये थोड़ी हल्की सी गुदगुदाती सी फिल्म है, तो उसी लिहाज से इस फिल्म को देखें। विद्या बालन के फैंस इस फिल्म को मिस ना करें। तो देखिए जी, आप याद रखते हैं हमेशा इस बात को कि एक अच्छा रिव्यू आपको टाइम और पैसा दोनों बचा सकता है। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि आपको टाइम और पैसा दोनों बचे, और आप हमें डांट भी रहे हैं, सुधार भी रहे हैं, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, बेहद खुशी की बात है। और ये रिश्ता बना रहना चाहिए, कभी बड़ी जोर की डांट पड़ती है, कभी बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है, तो ये रिश्ता बना रहे। आप सब्सक्राइब करते रहें अल्ट्रा बॉलीवुड, और जब कभी आपको लगे कि इसे शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस रिव्यू को, है ना, क्योंकि सिर्फ आप ही का टाइम और पैसा क्यों बचे, दूसरों का भी तो बचना चाहिए ना, ये भी भलाई के काम है, परोपकार का काम है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई फिल्म की, सॉलिड रिपोर्ट कार्ड हम आपको देंगे।